दोस्तों ये है हैमर कंपनी की तरफ से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो जाना जाता है हैमर अल्ट्रा फ्लो के नाम से। और पिछले कुछ महीने में ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और अगर आपको याद हो हैमर कंपनी शार्क टैंक में भी फीचर हो चुकी है और उस एपिसोड में अमन गुप्ता जो कि एक शार्क हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी अच्छी बातें बोली थी, जिसके बाद जो हैमर का ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी हैमर के अल्ट्रा फ्लो जो कि एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा जिसके अंदर मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करूँगा। और लास्ट में आपको सिंगल लाइन में बता दूंगा कि क्या आपको ये हैमर का इलेक्ट्रिक टूथब्रश बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, फटाफट हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये है अमेज़ॉन की तरफ से पैकेज, तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो मैंने हैमर का अल्ट्रा फ्लो मंगाया है मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग फटाफट जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बॉक्स की तरफ नज़र डालें, सबसे ऊपर ही आपको खतरनाक सी ब्रांडिंग दिखाई देगी हैमर की जो काफ़ी कूल लगता है। उसके नीचे आपको 5 प्रीमियम फीचर्स दिखाई देंगे जैसे 31,000 वाइब्रेशंस पर मिनट, 6 ब्रशिंग मोड्स, ऑटोमेटिक क्लीनिंग, 3 अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश हेड्स और इसमें आपको IP7 वाटरप्रूफिंग भी मिलती है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक टूथब्रश और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस दिखाई देंगे जैसे कि इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, रेटेड वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, मोटर स्पीड क्या है, वेट। तो इस सब चीज़ों से हम लोग को ज़्यादा कोई मतलब नहीं, चलिए फटाफट हम लोग इसको अब ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखाई दे रही है लेकिन इससे काफ़ी कम प्राइस में आपको अमेज़ॉन पर ये मिलता है, तो आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग इसको ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं हम लोग को अंदर कौन कौन से कंटेंट्स मिलते हैं। चलिए फटाफट हम लोग इसको ओपन करते हैं और अंदर साइड भी आपको सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग बॉक्सेस में दिखाई देंगी। सबसे पहले मिलेगा आपको एक चार्जिंग केबल जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश को चार्ज करने के लिए, तो ये वाला आपका चार्जर में कनेक्ट होगा और दूसरा जो पिन पॉइंट है वो आपका टूथब्रश में कनेक्ट होगा। इसकी लेंथ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है, आप कहीं भी इसको रख के चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ब्रश हेड्स को खोलने से पहले अपने हैमर अल्ट्रा फ्लो के कमाल के इलेक्ट्रिक टूथब्रश को ओपन करते हैं। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता हाथ में। तो टूथब्रश हम लोग यहाँ बाहर निकालते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कैप दिखाई देगी, कैप को जैसे ही बाहर निकालते हैं आपको एक कमाल का अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स दिखाई देगा, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और अगर आप लोग कंपेयर करें तो जितने भी सेंसिटिव टूथब्रश आपको दिखते हैं उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं उतना ही सॉफ्ट आपको इसमें ब्रिसल्स मिलता है, जो काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पे आपको हैमर अल्ट्रा फ्लो की एक ब्रांडिंग दिखती है, पीछे साइड आपको कोई टंग क्लीनर नहीं दिखाई देता है। तो जितने लोग अपने टूथब्रश वाला ही टंग क्लीनर यूज़ करते हैं उनके लिए ये एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, क्योंकि इसमें आपको कोई बैक साइड में टंग क्लीनर नहीं मिलता है, ज़िगज़ैग टाइप के आपको ब्रिसल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको हैमर अल्ट्रा फ्लो की ब्रांडिंग, पीछे साइड आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और ब्रश को अच्छे से देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं अपने ब्रश हेड्स को। ठीक है, तो आपको 2 एक्स्ट्रा ब्रश हेड्स मिलते हैं जो एक पैकेज के अंदर बंद हैं, तो इनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनका सबसे मज़ेदार फ़ायदा ये है कि अगर आपके फैमिली में आपके भाई बहन हैं या फिर आप किसी साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप एक जो ये ब्रश हेड है किसी अपने फ्रेंड या सिबलिंग को अपॉइंट कर सकते हैं, उस पर आप लोग मार्क कर सकते हैं कि ये आपका है, ये आपके भाई का है। तो इससे आप लोग एक ही इलेक्ट्रिक टूथब्रश में आप सब लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगती है मुझे, अगर आप एक ही इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेना चाहते हैं और 2 या 3 लोग यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट हम लोग इस हैमर अल्ट्रा फ्लो के सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको 6 ब्रशिंग मोड मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, आप अपने टीथ या फिर सेंसिटिविटी के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं और इसके वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। सबसे मज़े की बात कि इसमें आपको ज़्यादा फील नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका अच्छा है तो आपको ज़्यादा हैवी नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको यूज़ भी करें तो इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार फील हो या फिर अच्छा कम्फर्टेबल फील ना हो। ठीक है, इसमें जो वाइब्रेशंस है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं लेकिन फील बहुत कम होता है। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको क्लोजली दिखाने वाला हूँ इसके सारे जो ब्रशिंग मोड्स हैं, तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि इसमें 6 ब्रशिंग मोड है, मुझे याद करना पड़ता है कि कौन सा जो इंडिकेटर कलर इंडिकेटर है कौन से मोड के लिए है। तो जब सबसे पहले आप ऑन करेंगे आपको वाइट कलर दिखेगा, इसका मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर मोड पे रहना चाहते हैं तो डे टू डे के लिए आपको रेगुलर ही चूज़ करना चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा वॉयलेट कलर दिखेगा, ये है वाइटनिंग के लिए, अगर आपको अपने टूथ में वाइटनिंग लाना है या फिर उसको ज़्यादा चमकाना है तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है गम केयर, अगर आपको आपके गम को स्ट्रांग बनाना है और उसको सॉफ्टली मसाज करना है तो आप लोग इस मोड का यूज़ आराम से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत लोगों को गम से ब्लड आने का भी चांस होता है लेकिन इस मोड से अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी सॉफ्ट फील होगा और आपको अच्छे से गम केयर भी हो जाएगा, मसाज भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है फास्ट,
ठीक है, फास्ट आपको ग्रीन में मिलेगा। उसके बाद है लाइट ब्लू के साथ ये सेंसिटिविटी वाला, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यूनिक लगता है। इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक ऊपर वाले, मिडिल वाले, नीचे वाले जो आपको ब्रिसल्स हैं वही सिर्फ ज़्यादा फास्ट मूवमेंट देंगे, जो काफ़ी यूनिक लगता है। उसके बाद आपको मिलेगा ये है मसाज वाला। अगर आपको सिंपल मसाज करना है अपने पूरे गम का या फिर टीथ का, तो आप लोग इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस हैमर अल्ट्रा फ्लो के कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कॉन्स के बारे में, तो मुझे सिर्फ दो ही चीज़ मिली है। पहली चीज़ ये कि इसमें आपको पीछे कोई टंग क्लीनर नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़ कि आपको इसमें एक सर्कुलर मोशन वाला कोई आपको ब्रिसल या फिर ब्रश हेड नहीं मिलता है। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक टूथब्रश भले ही वो इससे महंगे होते हों, लेकिन उसमें आपको एक सर्कुलर मोशन वाला भी एक ब्रिसल मिलता है, ठीक है, या फिर ब्रश हेड मिलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वो भी होता है। लेकिन इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, भले ही इसमें आपको जिगजैग वाले ब्रिसल्स मिले, लेकिन उसका भी फीलिंग अच्छा आता है जो सर्कुलर मोशन में आपको मिलता है। दोस्तों वीडियो के एंड में हम लोग आ चुके हैं, अब मैं आपको सिंपल एक सेंटेंस में बताऊंगा कि क्या आपको ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश हैमर अल्ट्रा फ्लो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करते हैं, तो आपको इसके साथ ज़रूर जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि एक इंडियन ब्रांड है, तो आपको हमेशा इसके ऊपर विश्वास रहेगा, और इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें जो आपको मोड्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अगर आप एक चीप अल्ट्रा अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश खोज रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर बाय करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसने आज तक कभी इलेक्ट्रिक टूथब्रश बाय नहीं किया, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। आप जब इसको डेली यूज़ करेंगे, तो आपको सच में फील होगा कि आपका माउथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, और आपके जो टीथ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात, इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश में जो आपको हेड्स हैं डिटैचेबल हैं, यानी कि अगर आपके दो तीन भाई बहन भी हैं, तो आप एक हेड अपने किसी एक भाई को या बहन को दे सकते हैं, तो आप एक ही ब्रश में आप तो सारे भाई बहन यूज़ कर पाएंगे इसको। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा फीचर से भरपूर भी है। तो गाइस बाय ज़रूर कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कोई इंडियन ब्रांड अच्छा चाहिए था इलेक्ट्रिक टूथब्रश के लिए, तो ये है हैमर का अल्ट्रा फ्लो। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।